तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो। दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। शिक्षक निर्वाचन एवं स्नातक निर्वाचन के नामांकन का आज आखिरी दिन था। अचानक से जन अधिकार पार्टी के दामन थाम करके मुनीर प्रसाद यादव जी ने दरभंगा स्नातक से अपना पर्चा भरा। जब वो पर्चा भर के निकल रहे थे, जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने उनका भव्य स्वागत किया और तमाम उनके कार्यकर्ता जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। और हम आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर है और शिक्षा का जो व्यवस्था है हम उसे सुधारने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जब हम विधान परिषद में पहुंच जाएंगे। आइए, उन्होंने क्या कहा हम आपको सुना। वोटर है उसके लिए जो आज तक कुछ नहीं हुआ, केवल लोग वोट ठकते रहे। जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी जो समस्याएँ हैं और जो भी शिक्षा से विभाग से मिथिला यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी बेरोजगारी की बात है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, उस पर हम आवाज़। नाम मुनीन्द्र प्रसाद यादव हुआ, मैं स्नातक दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी हुआ। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं अनिल कुमार चौधरी को, जो अपने तमाम समर्थक दलों के साथ आज शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र दरभंगा से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दरभंगा के प्रमंडल आयुक्त के समक्ष दाखिल किया। दाखिल करने के बाद वो बाहर जब निकले तो तमाम उनके समर्थक दलों ने उनकी जय जयकार लगाई, फूल माला और मिथिला परंपरा के तहत उनका स्वागत भी किया। आइए तो सुनते हैं अनिल कुमार चौधरी का शिक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या विचार है कि जब वो विधान परिषद में पहुंचेंगे तो क्या बदलाव करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट टीचरों के बारे में वो क्या सोचते हैं। फिकर करेंगे, ये समाज अच्छा बनेगा। अनिल कुमार चौधरी, किसके लिए भरे पर्चा? ये शिक्षक निर्वाचन के। 9 साल से लड़ रहे बेरोजगारी के खिलाफ आज कृष्ण मोहन चौधरी ने दरभंगा स्नातक क्षेत्र से अपना पर्चा भरा। लेकिन फिर भी 9 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ तो ये तो विश्वास एक जताना पड़ेगा, तभी बदलाव हो सकता है। और हमारे पास अन्य दल, छोटे छोटे दल हैं, उनका भी अब समर्थन प्राप्त हो रहा है मुझे। और देखिएगा, मीडिया में भी आ जाएगा, 2-3 दल का हमें समर्थन प्राप्त है, उन्होंने लेटर बाय पोस्ट हमें को कर दिया है, मेरे पास व्हाट्सएप में भी है। इसीलिए इस बार पूरा है कि हम निकलेंगे, नियोजित शिक्षकों की मांग को पूरा करेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो ये संकल्प लेते हैं कि अगला बार चुनाव लड़ने मैं नहीं आऊँगा। इस MLC चुनाव को देखते हुए काफ़ी सारे निर्दलीय लोगों ने अपना पर्चा भरा, उसी में एक थे राम बाबू साह, उन्होंने भी पर्चा भरा और कहा कि गुरुओं का जो अपमान सरकार करती है मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा जब मैं विधान परिषद पहुंचूंगा। आइए सुनते हैं। गुरु ही राष्ट्र निर्माता है और राष्ट्र शिक्षकों का अपमान राष्ट्र का अपमान होता है। हम जब आप लोगों की जीत होगी मैं आपका सेवक बन करके काम करूंगा और मैं निश्चित रूप से महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, लोहिया जी और मेरे पूज गुरुदेव श्री रघुवंश प्रसाद पूरे संसार को रोशनी देता है, वैसे ही मैं रोशनी देने का काम करूँ। मुनेश्वर यादव जी ने भी अपना पर्चा भरा, तो आइए सुनते उन्होंने किन मुद्दों को रख करके ये MLC चुनाव का पर्चा भरा है। सबसे पहला सवाल है आपसे, जब आप बनेंगे आधारित और यहाँ के छात्र, बल्कि मुझे तो लगता है कि शिक्षा को ही उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए, इसे नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलाना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ, या छात्रों और नौजवानों के लिए दुर्भाग्य का विषय है। दूसरा सवाल सर, चुपते हुए प्रश्न शिक्षा स्वास्थ्य हमारा जो अधिकार है जी, संविदा, क्या संविदा से वो शिक्षा मिल जाएगी हमारे विद्यार्थियों को? ये संविदा क्या सही है? सर, मैं संविदा के खिलाफ हूँ, क्योंकि हर एक इंसान के लिए, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के लिए रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी पर हायर और फायर करेगा, मैं उस नीति के खिलाफ। कॉन्ट्रैक्ट टीचर पे क्या बोलिएगा? मैं चाहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो, उसका स्थायीकरण हो, उसका मान और सम्मान हो, उसे वेतन मान दिया जाए। आपने किस तरह, कहां से पर्चा भरा है? मैं दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से पर्चा भरा है।